kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class, we are going to discuss chapter number 5, which is consumer rights. In today's session will be session number 7. So in this session, we will discuss about learning to become well-informed consumers. So kis tarike se hum log well-informed consumers ban sakte hain? So that hamare paas knowledge hai ki agar hum ko koi exploit kar raha hai, तो व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में. सो वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कैसे बने, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स व्हाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वी विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस. तो जब हम लोग एक कंज्यूमर ऐसे बनेंगे जो हम लोग अपने जो हमारे राइट्स हैं उसके लिए वी विल बी कॉन्शियस, वी विल बी अवेयर, हमको पता रहेगा कि हमारे राइट्स क्या हैं. अगर किसी ने हम लोग को ख़राब सामान दिया तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ इफ़ यू यू नो डू नॉट लाइक अ प्रोडक्ट, अगर आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, व्हाट आर योर ऑप्शंस. अगर वो सब हमको जानकारी हो, इफ़ वी आर अवेयर ऑफ दैट, देन थिंग्स कुड चेंज फॉर अस एज अ कंज्यूमर. जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जब भी हम लोग कोई हायर करते हैं, हम लोग we will be able to discriminate and make informed जो choices हैं वो हम लोग कर पाएंगे, because we will know exactly what we have to look for. हम लोग को क्या देखना चाहिए कि अगर कोई service है तो उसमें क्या added benefits होने चाहिए, और अगर if somebody is not you know giving us full fledged service तो हम लोगों के पास क्या rights हैं, एंड हम लोग किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि एक सर्विस किस तरीके से बेटर है, उनके पास क्या चीज़ें वो दे रहे हैं जो एज अ कंज्यूमर हमारे लिए बेटर हैं. This calls for acquiring the knowledge and skill to become a well-informed consumer. How do we become conscious of our rights? तो ये हम लोगों को एक you know as a consumer हम लोगों को knowledge acquire करनी चाहिए and also skill होनी चाहिए जिससे कि we become a well-informed consumer. How do we become conscious of our rights? तो हम लोग अपने जो rights हैं हमारे उनके लिए कैसे conscious हो. तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों को you know we have to be well-informed कि अगर हम लोग जाके कोई ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, एंड लेट्स से अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन आजकल सारे लोग यूज़ करते हैं, तो लेट्स से आप कुछ ऑर्डर करते हैं वहाँ से, एंड व्हेन यू रिसीव दैट थिंग, अगर उसमें जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था वो नहीं है, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, आपके पास चॉइसेस क्या हैं, उसके बाद ऑप्शंस क्या हैं आपके पास. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता रहनी चाहिए. इफ़ वी नो देम ऑलरेडी देन हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वी विल बी नोइंग कि एग्जैक्टली हमको क्या करना है, एंड वी आर अवेयर ऑफ आवर राइट्स. कोई हम लोगों को ये नहीं कह सकता कि इफ़ यू कॉल कस्टमर सर्विस देवल से कि वी सेंड इट करेक्ट, आपके यहाँ से कुछ गलत हुआ होगा या फिर मे बी आपने ऑर्डर करने में कुछ गलत किया होगा, तो दे के नॉट से दैट बिकॉज वी नो वॉट आर आर राइट्स. तो उसके बेसिस पे देन we can you know आप हम लोग से बात कर सकते हैं कि नहीं you know we know what we are saying. So that is why we have to be a well informed consumer and we have to be conscious of our rights. The enactment of COPRA has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in central and state governments. तो जो enactment हुआ COPRA का act का, उसने एक जो नया separate department है consumer affairs का, उसका setup हुआ, उसकी वजह से in central and state government, तो at both levels वो जो एक separate department है consumer affairs का, जिससे कि you know all the consumer affairs जो है वो देखे जा सके. अगर यू नो देर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो बिकॉज वी नाउ नीड अ लॉट ऑफ पीपल कि जो उसको यू नो ओवरसी करें, बिकॉज जिस तरीके से यू नो ये पूरा मॉल सिस्टम एंड ऑनलाइन जो शॉपिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आ रहे हैं, तो वी नीड कि कंज्यूमर्स एज हम लोग एज कंज्यूमर भी हम लोग अवेयर रहें, बिकॉज नाउ इट्स अ मॉल कल्चर. इट्स नॉट कि आपकी एक अपनी शॉप होती थी, आप वहाँ जाते थे एंड यू नो देम, आप सालों से जानते थे, तो इफ़ एनी डिफेक्ट इज़ ऑल्सो देयर तो फिर यू नो दे बिकम लाइक फैमिली टू यू, एंड देन आप वहाँ जाके वापस भी कर सकते थे. बट बिकॉज मॉल कल्चर है, नोबडी नोज एनी बडी, एंड इट्स ऑल ब्रांड्स आर कमिंग, कोई जो एक पर्सनल जो टच था वो नहीं है,
सो दैट इज़ वाई इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया कि दैट कैन ओवरसी द कंज्यूमर अफेयर्स, जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज यू नो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. नॉट ओनली इन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, एंड दैट्स वाई कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोथ लेवल पर स्टार्ट किया गया एक नया डिपार्टमेंट. इस तरीके के एड जो हैं यू मस्ट हैव सीन, मे बी नाउ दे डोंट कम बट दे यूज टू कम लाइक जागो ग्राहक जागो, दिस टाइप ऑफ एड यूज टू कम कि जिससे पीपल विल गेट अवेयर कि उनके क्या राइट्स हैं, किस तरीके से दे हैव टू नो देयर राइट्स एंड अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो व्हाट कैन दे डू. सो एड्स यूज टू कम ऑन टीवी एंड ऑल्सो न्यूज़ प्रिंट जो एड है न्यूज़पेपर में दे यूज टू कम. तो दिस इज़ वन ऑफ द एड्स जिसमें एनश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन. तो दिस इज़ वन एड जो नो इट विल शो यू कि किस तरीके से आपको अवेयर होना चाहिए फॉर योर राइट्स, एसर्ट राइट्स, परस्यू रेमेडीज. तो इस टाइप के एड यूज टू कम जागो ग्राहक जागो नाम से ये वाले एड आते थे. एंड देन देर इज़ अनदर एड जिसमें यहाँ दिखाया है कि गांधी जी एंड उनका चरखा है. एंड ये जो दो एड हैं दिस इज़ हाउ जो कंज्यूमर्स हैं जब यू नो ये यू नो नीड महसूस की गई कि कंज्यूमर के साथ सेलर्स वॉट एवर दे वॉन्ट दे यूज टू डू, सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर को उनके राइट्स के लिए यू नो अवेयर करने के लिए ऑल दीज एड्स जो हैं वो स्टार्ट किए गए. नाउ बच्चों आप लोगों ने भी सुना होगा ISI एंड एगमार्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग गुड्स एंड गुड्स में देखते होंगे कि वो लगा रहता है ISI मार्क है या एगमार्क है. तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे. वाइल बाइंग मेनी कमोडिटीज ऑन द कवर यू माइट हैव सीन अ लोगो विद द लेटर्स ISI, एगमार्क और हॉलमार्क. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीदते हैं जब आप, तो यू मस्ट हैव सीन कि कवर पे वहाँ पे एक लोगो रहता है उसमें लेटर्स रहते हैं ISI, एगमार्क या हॉलमार्क. तो ये तीन है जो आपको वहाँ पे दिखेंगे. एंड इससे वी नो कि इसे यू नो वट एवर थिंग वी आर बाइंग वो अच्छी क्वालिटी की है. एंड दैट्स हाउ दे गेट दिस जो ISI, एगमार्क या हॉलमार्क है लोगो जो हैं दैट्स वाई दे गेट इट. These logos and certification help consumer get assured of quality while purchasing the goods and services. तो ये जो logos हैं या certification है ये help करता है consumer को कि वो assured हो जाते हैं कि जो भी whatever they buying is of a good quality. तो जो भी goods हैं या services हैं आप render कर रहे हैं तो all these ISI, Edmark and Hallmark जो हैं दीज अ काइंड ऑफ लोगोज एंड सर्टिफिकेशन है जिससे कंज्यूमर कैन गेट अश्योर्ड कि जो वो चीज़ खरीदेंगे उसकी एटलीस्ट क्वालिटी जो है वो बेटर है फ्रॉम द अदर थिंग्स अगर वो कंपेयर करें. द ऑर्गेनाइजेशंस दैट मॉनिटर एंड इशू दीज सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर्स टू यूज देयर लोगोज provided they follow certain quality standards. So जो भी organization who monitor and issue these certificates जो हैं जो monitor करते हैं या issue करते हैं वो allow करते हैं producers को to use all these you know जो भी logos हैं and उनका जो criteria होता है कि they will follow certain जो quality standards हैं that they have to follow. तो वो certain quality standards अगर कोई भी brand follow करती है, कोई भी product follow करता है या either कोई service है then only they get these certification so that consumers know कि ये जो goods and services हैं जिन पर ये सारे logos हैं certification हैं they are of good quality. Though these organization develop quality standards for many products it is not compulsory for all the producers to follow standards. ये सारे जो organization हैं ये develop करते हैं quality standard बहुत सारे product के लिए they have the quality standards बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जो जो भी जितने प्रोडक्ट हैं वो इनको माने या इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें एंड देन दे गेट दोज लोगोज स्टैंडर्ड. तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट हु आर गेटिंग दीज ISI एंड एगमार्क एंड हॉलमार्क लोगोज और द सर्विसेज
उनको लोग जो है एज कंज्यूमर्स उनको वो दे नो कि उनकी क्वालिटी बेटर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उनको फॉलो किया है एंड दैट्स व्हाई दे गॉट देयर लोगोस. हाउएवर सम प्रोडक्ट दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर कंज्यूमर्स और ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजम्पशन लाइक एलपीजी सिलेंडर्स, फूड कलर्स एंड एडिटिव, सीमेंट पैकेज, ड्रिंकिंग वाटर, it is mandatory for on the part of the producers to get certificate by these organization. However, कुछ जो product हैं जो affect करते हैं health and safety consumers की, all of product of mass consumption जो हैं जैसे कि LPG है जो gas है, उनके cylinders, food colors हैं, additives हैं, cement है, package drinking water है, तो इन सारी चीज़ों पे इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये मैंडेटरी रहता है कि वो सर्टिफाई हों इन ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर यू नो दे इफेक्ट द कंज्यूमर्स ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल, तो ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करते हैं एंड दैट इज़ वाई इन चीज़ों के लिए मैंडेटरी रखा गया है कि वो ये सारे सर्टिफाइड हो पहले, देन ओनली दे कैन सेल ऑल दीज प्रोडक्ट्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो सर्टिफिकेशन है एगमार्क जो है हॉलमार्क है ये वो किस तरीके से मिलता है एंड हाउ एज अ कंज्यूमर हम लोगों को वी शुड बी अवेयर कि हमारे राइट्स क्या हैं सो दैट यू नो व्हाट वी आर बाइंग हम लोग जिसके लिए पैसे दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोज आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है सो दे कैन यू नो वी कैन गो एंड वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स. So that's all for this session. Thank you.